नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों। यूपी कानपुर के चकेरी जाजमू इलाके में सिवर जलब गाव और आवारा व गंदे जानवरों से फैली डायरिया की बीमारी। वार्ड नंबर 96 की पार्षद जरीना खान भी डायरिया के चपेट में। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह बीमारी लगभग जाजमू, मोतीनगर, रामराजसराय, अम्बेडकर नगर, गजूपुर व पोखरपुर, इन क्षेत्रों में सैकड़ों लोग डायरिया से प्रभावित हो गया है। गंदगी के कारण कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। बड़ा कारण है गंदगी, जिस वजह से बच्चों वे बड़े बूढ़े सब डायरिया के शिकार हो गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह सारी बीमारियां गंदगी की वजह से पनप रही है। मौजूदा समय में मच्छरों से होने वाली बीमारी डेंगू व मलेरिया ज्यादा घातक साबित हो रहा है। डेंगू से हर साल सैकड़ों लोग प्रभावित होते हैं। मलेरिया के मच्छर गंदगी के कारण पनपते हैं। इसके अलावा गंदगी से हैजा, कालरा, निमोनिया, पीलिया, हेपेटाइटिस। अच्छा, चलिए, बच्चे को क्या हुआ है? डायरिया हुआ है। तो कब से भर्ती कराई है आप? नाम है आपका? अच्छा, क्या हुआ है आपको? डायरिया हुआ है। गंदगी नहीं आपका? कहाँ रहती हैं? क्या तकलीफ है आपको? डायरिया हुआ है। हाँ। क्या आपके मोहल्ले में गंदगी वगैरह ज्यादा रहती है क्या? हाँ, गंदगी है और नाला खुदा है, तो नाले से पानी मिल के आ रहा है, नल पे वही हम लोग पीते हैं। अच्छा, नाली कब से भरती है यहाँ पे आप? कल से भरती। कल से। ये डायरिया जो फैला, किस कारण से फैला, क्या वजह है इसकी? आजकल ह्यूमिडिटी बढ़ने से डायरिया के केस कुछ आ रहे हैं, तो उसके लिए जनता को जागरूक होना चाहिए। खुली वस्तु में बाजार की मत इस्तेमाल करें, पानी हमेशा रखा हुआ पानी हमेशा इस्तेमाल न करें, ताज़ा पानी पिए और अच्छा होगा कि उबाल कर पानी पिए। बाहर की वस्तुएं जैसे फल वल जो ठेले पे लगे होते हैं उसको मत इस्तेमाल करें और घर में रखी हुई चीज़ें मत इस्तेमाल करें, हमेशा ताज़ा खाना इस्तेमाल करें। हमेशा शौच के बाद हाथ धुलें और सफाई का विशेष ध्यान रखें।